यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, अभी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी है। लुहानसक में रूसी सेना के हमले में 10 लोग मारे गए और हॉस्पिटल को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट से राहत भरी खबर आई है। सोमवार रात यहां यूक्रेन और रूसी सेना के बीच चल रही लड़ाई खत्म हो गई है। इस स्टील प्लांट में फंसे 260 सैनिकों को निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण के सिल्वर जुबली समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम एक डाक टिकट भी जारी किया। यहां पीएम ने आईआईटी मद्रास की लीडरशिप में कुल 8 संस्थानों की ओर से बहुसंस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का भी शुभारम्भ करेंगे। सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। चिदम्बरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के स्थित ऑफिस और घरों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2010 से 2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने पुलिस के साथ मिलकर आतंकी संगठन लश्कर के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। टीम ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। टीम ने इनके पास से 4 दोपहिया समेत 6 वाहन भी जब्त किए हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 1500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 1569 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2467 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 19 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 52,32,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 62,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.70 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों ने एक बार फिर कराची में विस्फोट किया है। यहां खरदार इलाके में न्यू मेमन मस्जिद के पास हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। आईपीएल 15 का 65वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। एमआई की बात करें तो यह टीम 12 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीतकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। आज हफ्ते का दूसरा दिन मंगलवार आम लोगों के लिए राहत लेकर आया। लगातार 41वें दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनियों ने करीब 41 दिन पहले पेट्रोल के रेट में 85 पैसे और डीजल के दाम में 75 से 85 पैसे तक बढ़ोतरी की थी। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 311 पॉइंट की बढ़त के साथ 53,285 पर, जबकि निफ्टी 70 अंक उछलकर 15,912 पर खुला। आज सबसे ज्यादा तेजी बैंक और मेटल शेयर में है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 24 पैसे गिरकर रिकॉर्ड लो 77.69 पर पहुंचा है।